इस क्रिमिनल एक्ट को, इस पेपर की लीकेज के मामले को हर हाल में रोका जाए, क्योंकि रीकंडक्ट पेपर 2023 में हुआ था, वो पेपर भी लीक हो गया था। एमडी कैट के पेपर के लीक होने का प्रॉब्लम है। तो क्या एमडी कैट 2024 को लीक करने वाले हजरात को पकड़ा गया? क्या उनको सजाएं सुनाई गई? क्या पूरे पाकिस्तान को ये बता दिया गया कि जनाब जो मुजरिमान थे उनको पकड़ के उनको सजा दे दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सिंध का बच्चा सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि भाई एमडी कैट 2024 रीकंडक्ट होगा कि नहीं होगा। अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक हम इस मकाम पर खड़े हुए हैं जहां पर हमें इस बात का यकीन ही नहीं है कि जनाब जो एमडी कैट 2024 आप दे चुके हैं वो 100% एक्सेप्टेबल है, उस पर मजीद प्रोसेस आगे बढ़ेगा या इसके अलावा कोई और टेस्ट कंडक्ट होगा। बहुत सारे लोगों ने मिसालें देना शुरू की कि जनाब 2019 में जो है वो टेस्ट कंडक्ट हुआ था और नवंबर की तारीख यानी 19 नवंबर को वो टेस्ट कंडक्ट हुआ था, जहां तक मुझे एग्जैक्टली याद पड़ रहा है तो 19 नवंबर तक टेस्ट की डेट चली गई थी, मगर लोगों को ये याद नहीं है कि टेस्ट की डेट दो दफा आकर खत्म हुई थी, उसके बाद 19 नवंबर की डेट आई थी। और शायद बहुत सारे हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि तमाम तर मसाइल का हल जो है वो एमडी कैट 2024 को रीकंडक्ट करवाना है। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल क्लियर बात करने लगा हूं कि एज अ स्टूडेंट आपको रीकंडक्ट का फायदा होने जा रहा है या फायदा होने नहीं जा रहा, नुकसान हो रहा है। तो ये बात मैं क्लियर वर्ड्स के अंदर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब एक और सवाल आप लोगों के जहन में आएगा जो कि आप लोग कमेंट्स में डाल रहे होंगे, तो मुझे पता है अंदाजा है कि भाई सर आप अभी यह बताइए कि रीकंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले इस सवाल का चलो जवाब दे देते तुम्हें, ठीक है ना। एमडी कैट 2024 जिसके लीक होने के बारे में सबको पता है, सब जानते हैं, सबको मालूम है, ठीक है। तो ये एमडी कैट 2024 लीक तो हुआ, इसके आंसर कीज जो थी वो लीक तो हो गई थी, सबको पता, मगर क्या ये एमडी कैट 2024 रिकंडक्ट होगा या कि नहीं होगा? अब इस चीज पर तबसरा करना, तस्करा करना शायद मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि कोर्ट में इसकी हेयरिंग हो रही है। जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, जो हमारे इंसाफ को कायम रखने वाले इदारे हैं, उनके सरबराहान इस बात को बेहतर जानते होंगे कि उन्हें रीकंडक्ट करवाने का ऑर्डर पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तमाम तर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करते हुए बेहतर तौर पर जानते हैं कि इसको रीकंडक्ट करवाने की जरूरत है या नहीं है। यकीनन वो इस बात को एंडोर्स करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सिंध में रहने वाले हर यानी पूरे पाकिस्तान में हर बच्चे का हक पूरा अदा होना चाहिए, मगर सिंध में जबकि एमडी कैट की लीक होने के मामले बड़े खतरनाक किस्म के हैं, तो भाई यहां पर हर एक बच्चे को जिसने मेडिकल का टेस्ट दिया, 12 साल पढ़ाई की है, खूब डट के, खूब जम के, खूब लग के मेहनत की है और उसके बाद अपने एमडी कैट में मेहनत करके टेस्ट दिया, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए, इंसाफ हासिल उसको होना चाहिए। इस बात पर तो हर पाकिस्तानी इत्तेफाक करता, मगर क्या रिकंडक्ट होगा या नहीं इस बारे में मैं आप हम सिर्फ और सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है ना, फेसबुक स्टोरी से अंदाजे लगा सकते हैं। रियलिटी खुलकर आएगी चंद रोज बाद, तो चंद रोज का इंतजार कर लीजिए, चंद रोज के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या रिकंडक्ट होने का सिलसिला होगा या सिन एमडी कैट का जो रिजल्ट अनाउंस हो चुका उसी को कंसीडर किया जाएगा। अब आ जाइए दूसरी बात पे। अगर एमडी कैट 2024 रीकंडक्ट होता है तो आपको फायदा होगा, मैं आपको बताता हूं आपके साथ क्या होगा। लास्ट ईयर चले जाए, पिछले साल जिसमें देखा गया कि जनाब एमडी कैट का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के तमाम तर शवादात भी पहुंचा दिए गए, अदालत ने फैसला किया कि जनाब ये टेस्ट दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। दोबारा टेस्ट कंडक्ट हुआ जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की अक्सरियत ऐसी थी जिनको मैं बखुद जानता हूं, उनका जब मैंने रिव्यू लिया तो पता चला कि जनाब एमडी कैट वो पेपर जो कि लीक हुआ था मगर उनकी नजर से नहीं गुजरा, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ वो पेपर कंडक्ट किया, अपना पेपर अटेंड किया, उसका स्कोर मिसाल के तौर पर बन रहा है 180। मगर जब एमडी कैट रिकंडक्ट हुआ, दोबारा से एमडी कैट का टेस्ट लिया गया, तो उनका स्कोर 180 नहीं था, उनका स्कोर रिड्यूस होके 168, 170, 171 पे आ गया। तो फिर जहन में सवाल आ रहा है कि सर जो पहला पेपर था 2023 का, क्या वो मुश्किल, वो आसान था, और जो अगला पेपर था वो मुश्किल था? आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता भाई, आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता। आपके ऊपर जितना प्रेशर होता है, आप जितना कंसिस्टेंट होकर उसके लिए काम करते हैं, तो भाई रिजल्ट उतना अच्छा निकल कर आता है। जिस फेज में आप सब बैठे हैं इस वक्त, उस फेज में 2023 के बच्चे भी थे,
यानी पहला टेस्ट उन्होंने दे दिया, उसके बाद पता चलता है टेस्ट का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया, भाई अब दोबारा टेस्ट होगा। तो जो डेढ़ महीने का अरसा उनको मिला, एक महीने का अरसा जो कुल मिला तैयारी करने के लिए, उसमें वो इंतहाई कंफ्यूज, इंतहाई थक चुके थे, इंतहाई परेशान हो चुके थे, इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड थे। तो जब दोबारा जाके एमडीकेट का पेपर दिया तो फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिंध में 2024 में एमडीकेट कंडक्ट होता है और आप सब बच्चों का टेस्ट स्कोर कम हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा। मगर 2023 में जब टेस्ट रिकंडक्ट हुआ तो उसमें बच्चों का स्कोर नीचे आ गया था, मैं ये कह रहा। उसके बाद सर जब एमडीकेट 2023 लीक हुआ तो क्या एमडीकेट 2024 को लीक करने वाले हजरात को पकड़ा गया? क्या उनको सजाएं सुनाई गई? क्या पूरे पाकिस्तान को ये बता दिया गया कि जनाब जो मुजरिमान थे उनको पकड़ के उनको सजा दे दी गई? मेरी मालूमात होता नहीं है, हुआ होगा कुछ मामला मगर बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं दिया। 2024 में एमडीकेट का पेपर लीक हो गया, लीक करने वाले हजरात को क्या पकड़ा गया? क्या उनके हवाले से कोई कार्रवाई हुई? मेरी मालूमात में तो नहीं, आपकी मालूमात में वो तो जरूर बताइएगा। अब तक इस हवाले से मुझे कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही, यानी ये जो माहौल है 2023 से बनता चला जा रहा है उसमें तो मालूम ही हो रहा है कि जनाब हर साल एमडीकेट का पेपर लीक होगा, लीक करने वाले आजाद घूमते रहेंगे, टेंशन ही नहीं है, अगली दफा फिर एमडीकेट का पेपर होगा, बच्चों की परसेंटेज उनका स्कोर नीचे आ जाएगा, एडमिशन जो बच्चे हासिल करने के अहल थे वो बच्चे अहल ना हो सकेंगे, एडमिशन ना हो सकेगा। तो पिक्चर तो भी यही नजर आ रही है। तो भाई वो तमाम तर हजरात जो कह रहे हैं कि एमडीकेट रिकंडक्ट होना चाहिए, मैं आपके इस फैसले से ना तो मुखालिफ हूं ना आपका मैं हिमायती हूं, मगर आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि रिकंडक्ट होना इस मसले का हल नहीं है। एमडीकेट रिकंडक्ट होना इस मसले का हल नहीं है बिल्कुल। एमडीकेट के पेपर के लीक होने का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जब तक नहीं किया गया तब तक उसकी कीमत मेडिकल की स्टडी करने वाला बच्चा, मेडिकल एंड मेडिकल की बेसिस पे एमबीबीएस करने वाला बच्चा, हर बच्चा भुगतता रहेगा, हर बच्चा भुगतेगा उसकी सजा। क्यों? क्योंकि एमडीकेट के पेपर को सिक्योर नहीं किया गया, जिसके नतीजे में होता क्या है, जिसके नतीजे में होता है ये पेपर लीक हो जाता है। अगर कुछ ऐसे हजरात हैं, अफराद हैं, अनासिर जिन्होंने तैयारी नहीं की और एमडीकेट के आंसर की जो लीक हो गई थी या पेपर लीक हो गए तो उसको फॉलो करते उन्होंने पेपर दे दिया, पेपर में तो क्लियर हो गए, पेपर में तो पास हो गए, अच्छा स्कोर भी आ गया, अब टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, अब क्या करें? अब मेडिकल कॉलेज में तो पढ़ना है ना, अब उनसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, अब उनसे पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि इंटर तक की अगर छपाई कर कर आए और नकल कर कर आए और गलत तरीके से जो एडमिशन हासिल अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो गया है तो भाई तैयारी नहीं हो रही ना, आगे पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करेंगे? मेडिकल की सीट जाया हो गई, वो सीट बर्बाद हो गई। ऐ मेरे तमाम तर मेहनत करने वाले, हिम्मत करने वाले बच्चों, मैं तुम्हें बड़ा क्लियर वर्ड्स के अंदर ये मैसेज दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि देखो अपनी तैयारी पर, अपनी मेहनत पर, अपनी कोशिश पर रिलाय करना सीखो। अगर तुमने मेहनत डट के की थी, टेस्ट बेहतरीन परफॉर्म किया है तो तुम्हारा टेस्ट स्कोर 170 नहीं हो सकता, 160 नहीं हो सकता, तुम्हारा एमडीकेट का स्कोर 190 प्लस होगा। और 190 प्लस पे एक अच्छे इंटर के स्कोर के साथ तुम्हारा एडमिशन इंशाल्लाह जरूर जरूर होगा, जरूर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेक इट क्लियर कि भाई अगर हम सब ये कह रहे हैं कि रिकंडक्ट हो तो क्या रिकंडक्ट होना इस मसले का हल है? मेरी नजर में रिकंडक्ट होना मसले का हल नहीं है, क्योंकि रिकंडक्ट पेपर 2023 में हुआ था, वो पेपर भी लीक हो गया था। क्या गारंटी है कि आप जो दोबारा रिकंडक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं या जो हो सकता है कि जाएं तो वो पेपर सिक्योर हो? किसी को पता नहीं पेपर में क्या आ रहा है। तो भाई मसले का हल यह है कि इस करप्शन को, इस क्रिमिनल एक्ट को, इस पेपर की लीकेज के मामले को हर हाल में रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो मेडिकल के हर बच्चे को इसका नुकसान होगा। तो भाई मेरी तो गुजारिश है तमाम तर इदारों से, इदारों को चलाने वाले हजरात से, अफराद से, कि खुदारा पाकिस्तान में वैसे सिंध तालीम के मामले में बड़ा पीछे, तो भाई इसको मजीद पीछे ना करें यार। जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, दिल लगाकर अपनी स्टडी का काम बहुत अच्छे तरीके से लेके जाते हैं, वो एलिजिबल हैं टेस्ट के लिए, वो एडमिशन के काबिल हैं, वो बेस्ट स्कोर लेकर आते हैं, तो खुदारा उनका हक किसी को ना मिले, उनको एडमिशन मिले, उनको लाले लप्पे ना मिले, उनको एडमिशन मिले बेस्ट मेडिकल कॉलेज में, ताकि कल को वो जब डॉक्टर बन सके तो हम और आपका इलाज कर सके सही तरीके से। दो नंबर तरीके से अगर कोई जो वो मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनकर आ गया तो हमारा और आपका इलाज कैसे होगा, आप सोच लें, खतरनाक सूरत हाल होगी। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शंस अगेंस्ट सच कल्प्रिट्स।
अदरवाइज हम बहुत कुछ जाया कर देंगे। थैंक यू।